Assalamualaikum dear student, I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. तो बच्चों ये वीडियो MCGM की जानिब से वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है. तो चलिए आज हम सीखेंगे जमात चहरुम की किताब माहौल का मुताला एक का सबक नंबर 21 इज्तमाई जिंदगी के लिए नज्म व नस्क मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ. और मैं हूं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की. सबक नंबर 21 इज्तमाई जिंदगी के लिए नज्म व नस्क. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की. बच्चों नसीमा तस्नीम और नाजिमा ये तीनों सहेलियां हैं. इनके इम्तिहान ख़त्म हो गए और इन्हें गर्मियों की तातीलात लग गई. तो इनके वालिदैन ने सोचा कि क्यों ना गर्मी की तातीलात में हम तफरीह के लिए पिकनिक के लिए जाएं. इसलिए उन्होंने ख़ास एक गाड़ी का इंतज़ाम किया. तफरी को जाने के लिए सब सुबह सुबह तैयार होकर बस के इंतज़ार में खड़े हो गए. काफ़ी देर हो गई बस नहीं आई. जब फ़ोन किया तो पता चला कि गाड़ी के ड्राइवर को तो यही मालूम नहीं था कि सब लोग कहाँ जमा हुए हैं. मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत उन्हें परेशानी हुई. आखिरकार बस आ गई और वो लोग सब पिकनिक के लिए रवाना हो गए. तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? चलिए जानते हैं. बच्चों किसी भी काम को अंजाम देने के लिए नज्म व नस्क जरूरी होता है. नज्म व नस्क का क्या मतलब है? बच्चों नज्म व नस्क का मतलब है किसी भी काम को करने से पहले पूरी तरह उसको मुनज्जम तरीके से उसकी प्लानिंग की जाए कि उस काम को हमें कैसे करना है ना. अगर हम एक जगह बैठ के तमाम इस बात पे डिस्कशन करें कि हमें कैसे काम करना है, हम किस तरह काम करेंगे, कब करेंगे, इसका खाका तैयार करना ही नज्म व नस्क की पहली सीढ़ी है. सबसे पहले हमें जो भी काम करना है उसका खाका तैयार करना, उसकी प्लानिंग करना ही नज्म व नस्क की पहली सीढ़ी है. सबसे पहला हमें वही काम करना है. अगर हम काम दूसरों के साथ करने वाले हैं तो ये खाका हमें ज़्यादा बारीक बीनी से और दुरुस्त बनाना है. हमें उसमें ये तय करना होगा कि ये काम किसको क्या काम करना है, किस तरह काम को अंजाम देना है. हर फर्द के, हर एक इंसान के ज़िम्मे आपको अलग अलग काम देना है ताकि हर दिया हुआ काम हर एक इंसान आसानी से और जल्दी से कर सके. काम करने वालों में तालमेल भी होना बहुत ज़रूरी है. एक दूसरे से ख्यालात मिलने चाहिए. दिया हुआ काम हर फर्द ठीक तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इस पे भी हमें ध्यान देना है. हमारे काम के लिए कितने पैसे दरकार होंगे, कितना टाइम लगेगा, इसका मैनेज करने से मैनेज करना भी, इसकी प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम ये तमाम काम सही तरीके से और सही वक्त पे करें तो हमारा काम ज़रूर मुकम्मल होगा. और जब ये काम सही तरीके से मुकम्मल होगा तो उसे ही हम कहेंगे कि नज्म व नस्क के साथ उस काम को हमने मुकम्मल किया. काम में किसी एक ने अगर गलती की तो भी काम अच्छी तरह पूरा नहीं होता. तो इसके लिए हमें हर काम शुरू करने से पहले सबसे पहले प्लानिंग करनी है. नज्म व नस्क के साथ आपको कोई भी काम करना है. और नज्म व नस्क की पहली सीढ़ी है कि आप जो भी काम कर रहे हो सबसे पहले आप उसका खाका बना लें. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. बाहर जाना है, कोई प्रोग्राम मुनक्किद करना है तो हम प्लानिंग करते हैं. बिल्कुल उसी तरह अगर हमने घर में अपनी दावत रखी है, किसी को खाने के लिए बुलाया है, तो इसके लिए भी हमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरी है. अगर हम चाहते हैं कि हमारी दावत नज्म नस्क के साथ अंजाम पाए तो हमें पहले ही उसकी प्लानिंग करनी होती है कि खाने के लिए कौन से पकवान बनाए जाए, उसके लिए क्या क्या सामान दरकार होगा, सब सामान घर पर मौजूद है या ख़रीद कर लाना होगा,
मेहमानों का वेलकम हम किस तरह करेंगे। ऐसी कई बात जब हमारे वालिदैन घर में दावत रखते हैं तो उन्हें तय करना पड़ता है, और जब वो प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं तो हमारी तकरीब, हमारी जो दावत है वो कामयाब हो जाती है। और अगर प्रोग्राम बनाते वक्त कोई भी एक आध भूल जाए तो उस तकरीब में बदनज़मी पैदा हो जाती है, उस तकरीब का, उस प्रोग्राम का सिस्टम बिगड़ जाता है ना। यानी हम कोई भी काम करें उसमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, अगर हमें उस काम को नज़्म व नस्क के साथ अंजाम देना है। हाँ बच्चों, ऐसी छोटी छोटी तकरीबात में नज्म व नस्क की इतनी अहमियत है तो स्कूल, गांव, जिला और रियासत, मुल्क जैसे बड़े मकामात के निजाम चलाने के लिए नज्म व नस्क की कितनी अहमियत होगी, है ना बच्चों। जब हम इस घर में छोटी सी दावत रखते हैं उसे प्लानिंग के साथ हमें करना होता है, नहीं करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमें पिकनिक पे जाना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो पिकनिक खराब हो जाएगी। तो सोचिए, स्कूल, गांव, जिला, रियासत, मुल्क, ये तो बहुत बड़े मकामात है, तो इसका अगर हमें निज़ाम, इसका सिस्टम अगर हमें प्लानिंग के साथ, नज्म व नस्क के साथ चलाना है तो हमें कितनी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होगी, है ना। जिस तरह हमें दीगर कामों के लिए नज्म व नस्क की अहमियत पता है, उसी तरह हमें अपनी रोज़मर्रा की स्टडीज़ के लिए भी प्लानिंग की बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको इन तरीके बताते हैं, अगर इन तरीकों पे आप अमल करोगे तो इंशाल्लाह आप पढ़ाई में अव्वल आ जाओगे। क्या तरीका है? रोज़ाना की पढ़ाई का वक्त मुकर्रर करके उस पर सख्ती से कारबंद रहे। दिन में से रोज़ाना आप 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए मुख्तस कर दें, एक रख लें कि बाबा इस वक्त में मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा। हर हफ्ते पढ़ाई के लिए जो काम करना हो उसकी फहरिस्त, उसकी एक लिस्ट बना लें। मसलन माहौल की तालीम, तजुर्बा 3 को पढ़ना, या रियाजी में अशारिया की जमा तफरीक के सवालात हल करना। आप एक लिस्ट बना लें कि बाबा मैं ये दिन मैं मैथ्स करूंगा, ये दिन मैं जो है अपना EVS 1 करूंगा, ये दिन मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। तो इस तरह अगर आप प्लानिंग के साथ करोगे तो आप पर स्टडीज़ का बर्डन, बोझ भी नहीं आएगा। फहरिस्त में दिए हुए काम तयशुदा मंसूबे के मुताबिक करें। हर मजमून की पढ़ाई के लिए काफ़ी वक्त रखें। मुश्किल मजमून की पढ़ाई की तरफ से लापरवाही ना बरतें, उसका मुताला पहले कर लें। जैसे कई बच्चों को मैथ्स, इंग्लिश, मराठी सब्जेक्ट जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट, मुश्किल जाते हैं, तो आप उनका मुताला पहले कर लें। खाली वक्त मिले तो उसका पढ़ाई के लिए मुनासिब इस्तेमाल करें। आप खेले कूदे ज़रूर, लेकिन पढ़ाई पर भी वक्त, पढ़ाई के लिए भी वक्त दें। संडे है, आप पूरा दिन खेलेंगे नहीं, बल्कि आप उस दिन जैसे आप टेबल्स याद करेंगे, आप जो है वो नंबर एंड वर्ड्स में जो है वो याद करोगे ना, पोएम्स याद करोगे, है ना। तो खाली वक्त में भी पढ़ाई का इस्तेमाल करें। खेल, टीवी देखना, सोना, आराम के लिए ख़ास तौर पर वक्त मुकर्रर करें। इन मशगलों को सिर्फ इतना ही वक्त दें जो मुकर्रर किया है। आप सारा दिन खेल रहे हो, सारा दिन टीवी देख रहे हो या आराम कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो आप उनके लिए एक लिमिटेड टाइम दें और बाकी वक्त जो है आपने पढ़ाई के लिए मुख्तस कर लें। तो अगर आप इस तरह नज्म व नस्क के साथ, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करोगे तो इंशाल्लाह आपका हर काम बेहतरीन तरीके से और कामयाबी के साथ अंजाम पाएगा। आगे देखते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे हमने अभी आपको बताया कि आपको हर काम के लिए नज्म व नस्क की ज़रूरत है, उसी तरह आपके क्लासरूम के लिए भी आपको नज्म व नस्क की ज़रूरत है। क्लासरूम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पे हर चीज़ सलीके से रखी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, स्कूल्स में जो है मॉनिटर्स या जमात के नुमाइंदे मुकर्रर किए जाते हैं, है ना, जो मॉनिटर्स को रखा जाता है और उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ क्लास के काम दिए जाते हैं, जैसे कि सफाई ठीक तरह से हुई या नहीं हुई, जमात में चॉक डस्टर है या नहीं है, हमारा ब्लैक बोर्ड साफ है या नहीं है, बच्चे बराबर टाइम पे आ रहे या नहीं रहे हैं, और इस हमारे ब्लैक बोर्ड पे जो है वो अक़वाले ज़री, थॉट ऑफ द डे लिखा हुआ है या नहीं है। तो अगर मॉनिटर्स ये काम
बांट कर आसानी से कर ले, अगर समझदारी से कर ले तो स्कूल के काम आसानी के साथ अंजाम पाते हैं, ठीक है। जिस तरह बच्चों हम जमात में सफाई रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह स्कूल के काम में आसानी के लिए स्कूल इंतजामी कमेटी बनाई जाती है। अब ये स्कूल इंतजामी कमेटी क्या है? जमात की सफाई के लिए, देखरेख के लिए तो हमने मॉनिटर्स मुकर्रर कर लिए। अब ये स्कूल इंतजामी कमेटी क्या काम करती है, चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ बच्चों, स्कूल इंतजामी कमेटी में पेरेंट्स और टीचर्स शामिल होते हैं। वो क्या काम करते हैं? स्कूल इंतजामी कमेटी में वालिदैन और असातिज़ा और इलाके के कुछ तलबा के नुमाइंदों को शामिल किया जाता है। ये कमेटी तलबा, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को समझ के हल करती है, उनमें उन्हें गाइडेंस देती है, स्कूल के प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए आगे की प्लानिंग करती है, स्कूल में स्टूडेंट्स टीचर्स बराबर आ रहे हैं या नहीं इस पे नज़र रखी जाती है, स्कूल को जो मिड डे मील मिलता है दोपहर के खाने का वो बराबर आ रहा या नहीं उस पे ध्यान दी जाती है, और स्टूडेंट्स के भले के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या अच्छा है, इन तमाम की जो है गाइडेंस, इन तमाम की जिम्मेदारी इसातिज़ा और वालिदैन स्कूल इंतजामी कमेटी के ज़रिए एक दूसरे की मदद के ज़रिए करते हैं। तो ये रहा स्कूल इंतजामी कमेटी का काम, जो स्कूल की भलाई के लिए, स्टूडेंट्स और टीचर की भलाई के लिए किया जाता है ना? ओके, तो स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी देखा कि स्कूल को संभालने के लिए स्कूल इंतजामी कमेटी होती है, जिनके जरिए स्कूल का निज़ाम नज्म नस्क के साथ चलता है, क्लास को संभालने के लिए मॉनिटर्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उसी तरह बच्चों रास्ते पर चलने के लिए भी कुछ कानून होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। अगर हम उन रूल्स और रेगुलेशन को मानेंगे तो हम रास्तों पर होने वाले हादसात से बचेंगे। रास्ते पर चलने के लिए भी हमें नज्म नस्क के साथ की ज़रूरत होती है। रास्तों पर हादसात क्यों होते हैं? आमदोरफ्त के लिए कवानीन की पाबंदी क्यों ज़रूरी है ना? अगर हम इनकी पाबंदी करेंगे तो हादसात से बचेंगे। जैसे कि गाड़ियां हमेशा बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में ही क्यों दौड़ती है, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में जाती है ना? सिग्नल आने पे गाड़ी को रुकना है, ये भी एक कानून बनाया गया है। फिर उसके बाद आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर से रोड क्रॉस करना है ना, और गाड़ी चलाते वक्त बातें नहीं करना है। इस तरह के बहुत से कानून हैं जो रास्ते पर चलने के लिए और सवारियों के लिए बनाए गए हैं। तो अगर हम इन कानून की पाबंदी करें, इन कवानीन की पाबंदी करें, तो हम बहुत बड़े जो हादसे होते हैं रास्तों पर, उनसे हम बच सकते हैं। यानी ज़िंदगी का कोई ऐसा काम नहीं है जो हम बिना नज्म नस्क के साथ कर सकते हैं। हर काम को अच्छे से अंजाम देने के लिए नज्म नस्क का साथ होना, उसे साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ बच्चों, रास्तों पर हो गया, जमात में हो गया, इसी तरह स्कूल को भी नज्म नस्क के साथ चलाना ज़रूरी है। अगर स्कूल में पीरियड्स नहीं होते तो कभी भी कोई भी टीचर आके कोई भी मज़मून पढ़ाती। स्कूल का अगर टाइम एक फिक्स नहीं होता तो मुकर्रर टाइम नहीं होता तो कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल में आता, कभी भी चला जाता। अगर टाइम टेबल से स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो कोई भी बच्चा कोई भी बुक अपने बैग में डालकर लेकर आ जाता। तो स्कूल के लिए भी पढ़ाई का निज़ाम औकात होना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक बच्चे की पढ़ाई बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से होती है। कवानीन, अब कवानीन क्यों बनाए जाते हैं अब हम देखेंगे। कवानीन की वजह से हर फर्द को समाज में कोई भी काम किस तरह अंजाम देना है इसकी रहनुमाई मिलती है। इस बात का यकीन होता है कि समाज में हर एक तयशुदा तरीके से ही बर्ताव करेगा।
यानी रास्ते से गाड़ी चलाने वाला हर फर्द बाएं तरफ से ही जाने वाला है, ये अगर हमें पता है तो हम गाड़ी जो है आराम से चला सकते हैं कि बाबा गाड़ियां तो बाएं लेफ्ट साइड से ही जाने वाली है। अगर हमको मालूम ना हो कि सामने से आने वाला गाड़ी कौन से सिमत में लेकर आ रहा है तो हम उलझन में पड़ जाएंगे, है ना, और हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। तो कानून क्यों बनाए जाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो रास्तों पर हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे मुल्क में हो, तो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं कि समाज उलझन का शिकार ना हो, समाज में लोग परेशान ना हो और हमारी इज्तमाई जिंदगी, हमारी जो कम्युनिटी लाइफ है वो आसानी से गुजर चुके सके। पहले कवानीन रस्म रिवाज के लिहाज से बनाए जाते थे, पर अब हमारी गवर्नमेंट हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ, जब हमें आज़ादी मिली, हम जब इंडिपेंडेंट हुए, तब हमारे मुल्क ने हमारे लिए दस्तूर बनाए, सरकारी काम किस तरह चले, समाज का सफ़र किस रुख पर हो, इस ताल्लुक से दस्तूर में इस्लाहात होती है। हमारे ज़रिए हम जो नुमाइंदे मुंतखब करते हैं वही हमारे मुल्क का कारोबार चलाते हैं, और नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए हमारे मुल्क में रियासतों में इलेक्शंस होते हैं। तो मकामी सतह पर मकामी इंतज़ामिया के ज़रिए नज़्म व नस्क को कायम रखा जाता है। तो जिस तरह स्कूल में प्रिंसिपल्स टीचर नज़्म व नस्क कायम करते हैं, उसी तरह मुल्क रियासत में जो है गवर्नमेंट के नुमाइंदे नज़्म व नस्क को कायम करते हैं। अब यह है मकामी सरकारी अदारे। बच्चों, आपने देखा होगा अपने गांव में या छोटे छोटे शहरों में या गांव में कुएं से पानी भरती हुई औरतें, बाग बगीचे देखे होंगे जिसमें बच्चे खेलते हैं, है ना। शहर में कचरा जमा करने वाली, आपके घर के पास भी कचरा जमा करने वाली गाड़ी आती होगी। आपने रास्तों पर लाइट का, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम देखा होगा। तो हमारे घर जो है आसपास पानी की जो सहूलतें मुहैया है, तो ये सब काम कौन करता है? तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई चीज़ों के लिए अपने ख़ानदान या पड़ोसियों के अलावा बाहर के दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारे इलाके के नगर सेवक होते हैं, कुछ नुमाइंदे होते हैं जो हमारे इलाके की पानी, बगीचे और सफाई और रास्ते की लाइट का इंतज़ाम करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस इलाके में पानी की तकलीफ़ है, किस इलाके में ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, किन रास्तों पर लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। तो ऐसे काम देखने के लिए मकामी सरकारी अदारे और उनमें काम करने वाले नुमाइंदे होते हैं जो इन तमाम कामों की निगरानी करते हैं। उनका क्या काम है? रास्ते बनाना, उनमें लाइट लगाना, स्कूल, दवाखाने, बाग बगीचों की जो ज़रूरतें हैं उसे मुकम्मल करना और उसकी सफाई पर ध्यान देना। तो ये काम कौन करता है? मकामी सरकारी अदारे। और मकामी सरकारी अदारे में ये काम कौन करता है? उनके चुने गए नुमाइंदे। जो वो नुमाइंदे चुनते हैं इलेक्शंस के ज़रिए, वो तमाम इन कामों को अंजाम देते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि नज्म व नस्क का मतलब है प्लानिंग करना। अगर हम किसी भी काम को प्लानिंग के साथ अंजाम दें तो वो काम बेहतर तरीके से होता है और कामयाबी के साथ होता है। ख्वाह वो स्कूल हो, हमारा ऑफिस हो, हमें पिकनिक जाना हो, या घर में छोटी सी दावत, शादी ब्याह हो, या शहर, मुल्क, रियासत का बड़े से बड़े मकामात के काम हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। इस सबक का एक छोटा सा रिवीजन हम आप कर लेते हैं। हमने इस सबक से क्या सीखा? कोई भी काम करने के लिए नज्म व नस्क जरूरी होता है। जैसा कि हमने अभी आपको लेसन में बताया कि आपको कोई भी काम करना हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, पिकनिक जाना हो, स्कूल जाना हो, क्लास की सफाई हो, अपनी रियासत का, मुल्क का बड़े से बड़ा काम हो, कोई घर में दावत हो, शादी ब्याह हो, छोटा मोटा फंक्शन हो, हर काम के लिए नज्म व नस्क यानी प्लानिंग ज़रूरी है। और नज्म व नस्क यानी
खाका इसका तैयार करना ही नज्म नस्क की पहली सीढ़ी है। इज्तमाही कामों को अंजाम देने के लिए तफसीली खाका ज़रूरी होता है। इज्तमाही काम यानी क्या? जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम अंजाम दे रहे हैं, जैसे हमें बहुत सारों को मिलकर पिकनिक जाना है, स्कूल की पिकनिक है, क्लास की पिकनिक है, घर के पड़ोसियों के साथ की पिकनिक है, शादी ब्याह है, दावत का सिस्टम है, तो जब हम एक काम बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं तब उसके लिए सबसे पहले खाका बनाना, उसका लिस्ट बनाना सबसे पहला काम है। खाके के मुताबिक काम अंजाम दिए जाएं तो वह आसानी के साथ और वक्त पर होते हैं, है ना। कौन क्या काम कर रहा है, किसके जिम्मे कोई अलग अलग काम दिए जाए तो काम आसानी के साथ होते हैं, वक्त पर होते हैं और किसी एक पर काम का बोझ भी नहीं पड़ता। स्कूल इंतजामी कमेटी तलबा और तालिबात की शख्सियत संवारने के लिए काम करती है। जैसा हमने आपको बताएं कि स्कूल इंतजामी कमेटी में जो है वालिदैन, टीचर्स, स्टूडेंट्स को शामिल होते हैं और जो स्कूल की भलाई के लिए, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए जो है स्कूल इंतजामी कमेटी काम करती है। लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल हल करने के लिए मकामी सरकारी अदारा काम करता है। लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली लाइफ में कौन से मसाइल होते हैं? आसपास की सफाई के, पानी का, रास्तों की लाइट का, रास्तों की मरम्मत का, जो है गार्डन्स वगैरह की साफ़ सफाई का, उसकी मरम्मत का, तो ये तमाम काम कौन करता है? मकामी सरकारी अदारे। और इन अदारों में जो है उनके नुमाइंदे इलेक्शंस के साथ जो है इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं, चुने जाते हैं और वो इस काम को अंजाम देते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का सबक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो आपका क्या होमवर्क है? आप इस सबक के सवालात को हल करोगे, जो मशकी सवालात दिए गए हैं उनके जवाब लिखोगे अपनी कॉपी में और आपके अपनी टीचर को बताओगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। जब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। बच्चों आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।